रतलाम जिले की नगर परिषद पिपलौदा में 5 करोड़ की लागत से बनी पेयजल टंकी में भ्रष्टाचार और नवीन बस स्टैंड पर निर्माण में पुलिया में 8 लाख के गबन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिपलौदा में ब्लॉक स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया और जावरा SDM राहुल धोते को भ्रष्टाचार व गबन में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा, कांग्रेस नेता DP धाकड़, जावरा के नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष यूसुफ कटपा, स्थानीय नेता, ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने खुद मकान बनाने के ठेके अपने लोगों को दिला रखे। यहाँ सड़क गटर में ठेकेदार अध्यक्ष के लोग लगे हुए हैं। केवल इस नगर पालिका को अध्यक्ष ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी समझ ली। अध्यक्ष स्वयं इसका मालिक बन के ये समझता है कि मैं राजा महाराजा की तरह वो इस पर राज कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र का समय हो चुका है। ये लोकतंत्र में सब जनता की सुनी जाना चाहिए, जनता के अधिकार का काम करना चाहिए। जब चुनाव लड़ते हैं तो संविधान में लिखा कि मैं मानव सेवा करूंगा, मैं आम जनता की सुनूंगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जनता यहाँ त्रस्त है। आज कितनी हजारों लोग यहाँ आए, अभी SDM साहब ने कितनी महिलाओं की जब पीड़ा सुनी तो पता चला। यहाँ पे केवल मैं सेफ्टी टैंक भी खाली करना हो तो नगर पालिका अध्यक्ष के बिना उसके कमीशन को जोड़ने के बाद ही सेफ्टी टैंक खाली होगा। तो आप बताइए, एक नगर पालिका एक मुख्य नगर का एक अंग है या एक मेन संस्था है, उस संस्था में आम जनता काम होना चाहिए। पर यहाँ पे केवल भाजपा के और अध्यक्ष की चापलूसी करने वाले लोगों को काम हो रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया, हमारे ब्लॉक कांग्रेस और यहाँ के जो भी पिपलौदा के जो भी कांग्रेस पार्टी के जवाबदार लोग है, ये मिलकर ताकत से लड़ेंगे और आम जनता को हक दिलाएंगे और इस बात का जवाब भी आने वाले नगर पालिका चुनाव में जनता देगी।